Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Welcome to our YouTube channel Oil and Gas Information. इस वीडियो में हम देखेंगे कि PMS Mechanical की जॉब के लिए eligibility criteria क्या होता है, job rotation और salary वगैरह को. PMS means Preventive Maintenance Supervisor. चले वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आ गया PMS मैकेनिकल की जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा. जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें आ जाती हैं, क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस. अगर हम PMS की जॉब के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास PMS मैकेनिकल की जॉब के लिए आपके पास बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए. मींस कि आपके पास 4 ईयर्स की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. इधर जो बीटेक है ये भी 4 ईयर्स की डिग्री है. सेकंड चीज आ जाती है वर्क एक्सपीरियंस. PMS मैकेनिकल की जॉब के लिए आपके पास 8 से 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है वो ऐसा आपने रिग मैकेनिक, चीफ मैकेनिक काम किया किसी भी ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग रिग पे. नेक्स्ट चीज आती है जी PMS मैकेनिकल की जो जॉब है उसकी रोटेशन वगैरह क्या होती है. द रोटेशन फॉर PMS मैकेनिकल जॉब इज, नॉर्मली जो PMS मैकेनिकल की जॉब होती है किसी भी ऑनशोर ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग रिग पे वो 28 होगी, या सेकेंड ऑप्शन है 35 एंड 35. इधर जो फर्स्ट वन है 28 एंड 28, इसमें 28 ऑन डेज है और 28 ऑफ डेज है. मीन के 28 डेज वो कंपनी में गुजारेंगे और 28 डेज की उनको फुल वेकेशन मिलेंगी. सिमिलर केस 35 एंड 35 का है, 35 डेज वो कंपनी में गुजारेंगे और 35 डेज घर पे. जो PMS मैकेनिकल की जॉब होती है ये ज्यादातर ऑफिस बेस्ड जॉब होती है और मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है PMS मैकेनिकल की वो उस कंपनी, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उस कंपनी के जितने रिग होंगे उनपे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है उसकी लुक आफ्टर करना PMS मैकेनिकल की जॉब है. PMS मैकेनिकल जो होते हैं वो वीकली या मंथली डिफरेंट रिग का विजिट करते हैं और वहां पे जो मैकेनिकल सिस्टम होता है उसकी, उसमें जाके इम्प्रूवमेंट्स वगैरह करना उनका काम है. और लेट्स सपोज किसी भी रिग पे कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है जिसको चीफ मैकेनिक सॉल्व नहीं कर सकते तो उसको PMS मैकेनिकल गाइड करते हैं चीफ मैकेनिक को उस प्रॉब्लम सॉल्व करने में. नेक्स्ट है जी PMS मैकेनिकल की जॉब की सैलरी वगैरह क्या होती है. नॉर्मली द सैलरी ऑफ द PMS मैकेनिकल जॉब इज $6,000 to $8,000 पर मंथ. इधर जो आपको सैलरी बताई गई है ये एक इंटरनेशनल कंपनी की एवरेज सैलरी है, $6,000 से $8,000 पर मंथ. ये सैलरी फिक्स नहीं है, ये $6,000 से कम भी हो सकती है और $8,000 से अबव भी हो सकती है. ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि कंपनी की नेचर वगैरह क्या है, कंपनी PMS मैकेनिकल को कितनी सैलरी देती है. आई होप कि इस वीडियो से आपको जो PMS मैकेनिकल की जॉब है किसी भी ऑयल एंड गैस लैंड रिग पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी कि PMS मैकेनिकल की जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए होता है, जॉब रोटेशन और सैलरी वगैरह के बारे में. इसी तरह आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें. हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जो हम जॉब इधर डिस्कस कर रहे हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करेंगे,
इनमें कैसे अप्लाई करते हैं और इस चैनल पे जो मुख्तलिफ ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग रिग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी अपलोड की जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और साथ ही हमारे YouTube चैनल ऑयल एंड गैस इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे इस चैनल पे नई वीडियोस अपलोड हों वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।